गाने की अगर बात करें तो जिस तरीके से जितना हमने सुना है काफी अच्छी वाइब्स आ रही है गाने से। हाँ जी, एकदम लग रहा है वेडिंग वाइब्स एकदम निकल कर बाहर आ रही है। आप कुछ क्या क्या कुछ बताना चाहेंगे? सेलिब्रेशन के वाइब्स हैं, क्योंकि अभी जो 1.5 साल जैसे निकला है, आई थिंक अभी एक टाइम आ रहा है कि हम लोग अभी भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन इट्स टाइम टू टेक म्यूजिक टू सेलिब्रेट हील, और एक साथ फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो। और ये एक फ्रेंड की शादी है, और एक बहुत सुंदर गाना है जो नीरज श्रीधर ने कंपोज भी किया है, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है, खुद भी गाते हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन है, उनका प्रोडक्शन है। और मुझे लगता है कि मुझे खुशी हो रही है कि अभी जैसे साल दिवाली की तरफ निकल रहा है और शादियां बहुत होने वाली हैं, तो एक शादी वाला, जब मैं तो इसको कह रही हूँ कि इट इज़ द शादी सॉन्ग ऑफ द सीज़न एंड फॉर ऑल सीजन्स टू कम। तो ढोलना है, ट्रेडिशनल गाना, और मैंने ऐसे गाने वैसे कम किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी इंस्टाग्राम के स्टोरीज में देख के अंबर सरिया को कनेक्ट कर रहे हैं, हीरे हीरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक मुझे लगता है जो एक म्यूज़िक से एक खुशी फैलती है ना, वो एक अपने आप में एक हीलिंग है, और अभी हमारे दुनिया को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। तो इट इज़ अ हैप्पी हैप्पी सॉन्ग, रंग भी रानी पिंक है, देसी है, और सारी मैंने हमेशा सोचा है कि मुझे अपने जो कपड़े मैं खुद जो आइडिया से आगे लेके जाती हूँ स्टेज पे हो या म्यूज़िक वीडियो पे है, बेदर्दी राजा में मैंने साड़ी पहना था लास्ट टाइम, वहाँ पे बेस गिटार बजाया था, और मुझे लगा कि साड़ी जो है पुरानी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है हमारी, लेकिन उसको रीइन्वेंट करने में बहुत मज़ा आया कि जो यंगर जनरेशन है उसको भी वो एम्ब्रेस करे और अपने साड़ी को बड़े प्राइड से पहने, अलग तरीके से पहने। तो मैंने तो एक मिलिट्री जैकेट बनाया है, और थीम है गन्स एंड रोज़ेस, क्योंकि मैं उस टाइप के आर्टिस्ट हूँ जो इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे मेरी बहुत इन्फ्लुएंस होती है, एंड लगता है कि अलग तरीके से एक एक्सप्रेशन होता है। अभी अफ़गानिस्तान में कुछ हो रहा है, पैंडेमिक हुआ है, और उसके बीच में हम शादी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगा नॉर्मल लहंगा चोली पहन के तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई विल वेयर अ रॉक एंड रोल आउटफिट जो आपको एक अलग कहानी बताए कि औरतों का जो एक फेमिनिन ब्यूटी है, तो गन्स एंड रोज़ेस, रोज़ेस है फेमिनिटी, और गन्स जो है इट इज़ नॉट द गुड स्टफ़ ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जब यू नो देर हैज़ टू बी अ क्लैश फाइनली एंड देन मीनिंग बहुत सारे हैं उसके, तो वो शायद मैं ना बताऊँ तो बेटर है, इंटरप्रिटेशन ऑडियंस की हो सकती है, लेकिन गन्स एंड रोज़ेस थीम है। और इसके बाद एक और आउटफिट है म्यूज़िक वीडियो में, ये मज़ा है कि म्यूज़िक वीडियो है और फोकस म्यूजिशियन पे है, ये नहीं कि इट्स ऑन एन एक्टर, एंड इट इज़ टाइम फॉर दैट टू हैपन इन इंडिया, क्योंकि पूरे विश्व में म्यूज़िक वीडियोस बनते हैं अराउंड द म्यूजिशियन और या आर्टिस्ट, यहाँ पे ज़्यादा लिप सिंक प्लेबैक होता है। और एक और बात, आप जाने से पहले अगर हो सकेगा हम आपको एक झलक देंगे अपनी गर्ल बैंड के, ऑल द म्यूजिशियंस ऑन स्टेज जो बेस बजा रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, सब लड़कियां हैं, तो इट्स अ ऑल गर्ल बैंड। अगर आप रुक सके हो, हम लोग अभी स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, टेक सम शॉट्स ऑफ इट, क्योंकि ऑल वेमेन, और ढूंढने में मुश्किल हुआ क्योंकि फीमेल म्यूजिशियंस कम मिलते हैं, यू नो, लेकिन देर ऑल वंडरफुल म्यूजिशियंस। आउटफिट तो मेरा है कॉन्सेप्ट लेकिन शादी का सेटिंग जो है वो कॉइनेज रिकॉर्ड्स हैं, जो एक नया म्यूजिक लेबल है, और आई एम वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट टू बी रिलीज्ड, तो उस बात पे भी सेलिब्रेशन है, क्योंकि इंडिया में जो मोनोपोली रहती है एक दो म्यूज़िक लेबल्स की, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा लेबल्स आएंगे तो जो मार्केट है एक्सपेंड करेगा और वैरायटी ज़्यादा आएगी, अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट आगे आएंगे। तो आई थिंक ये एक टर्न ले रहा है, म्यूज़िक इंडस्ट्री भी पैंडेमिक में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस में है, क्योंकि अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत हो गए हैं, पहले जैसे सीडी कैसेट बेचते थे वो तो बदल गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फिल्मी म्यूज़िक जो डोमिनेट करती है, वो फिल्में तो थिएटर में गए ही नहीं, तो एक अपॉर्चुनिटी हुआ है कि मैंने तो 10 साल में हमेशा इंडिपेंडेंट रिलीज़ किया जाए, लेकिन ये 2 साल में मीडिया का हो या ऑडियंस का हो, उनको जैसे फिल्मी म्यूज़िक मिला नहीं, तो सडनली याद आया कि अरे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी इतना वेल प्रोड्यूस्ड और इतना अच्छा हो सकता है। तो आई थिंक लॉट ऑफ अमेजिंग आर्टिस्ट आर कमिंग अप, पंजाबी एक इकोसिस्टम तो एक अपना ही जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम बना है, और रीजनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे साउथ इंडिया में हो, यू नो
अलग अलग म्यूजिक इंडस्ट्रीज काफी पावरफुल बन रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो दो एक महीने पहले मेरा बिलबोर्ड टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में चढ़ा. नॉट बिकॉज आई एम अ फिल्मी बॉलीवुड हिट म्यूजिशियन, बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन ऑल्सो. और वो बहुत ही एक ऑनर था कि न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में एक बड़ा सा बिल्डिंग में मेरा बिलबोर्ड गया. बट आई थिंक वी आर इन गुड टाइम्स, अच्छे टाइम्स हैं और बहुत कुछ होना है. क्योंकि मेरी ये पर्सनल ड्रीम है कि आगे जाके ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने गाने, अपने रिलीजेस, अपना देखूं. आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ मेनी अपकमिंग आर्टिस्ट. तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि कोलैबोरेशंस ज़्यादा हों आर्टिस्ट के बीच में, ताकि जो डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं उनके इंटरेक्शंस हों. और म्यूज़िक ना, तो इंडिया में मुझे लगता है ऑडियंस म्यूज़िक के बिना रह नहीं सकती, लेकिन म्यूजिशियंस को उतना वो नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए, यू नो. क्योंकि म्यूज़िक मेरे ख्याल से इलेक्शन कैंपेन से लेके टूथपेस्ट से लेके हर चीज़ फिल्म को बेचता है. इट ब्रिंग्स बम्स ऑन द सीट्स. तो इट इज़ टाइम कि अभी हाँ, इट इज़ द हार्ट ऑफ एवरीथिंग. और अभी भी अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ, किशोर कुमार के गाने अभी भी सुनने को मिलेंगे. तो म्यूजिशियंस इटर्नल रहते हैं, टाइमलेस रहते हैं, एज नहीं करते हैं, उनकी म्यूज़िक रहती है. तो आई थिंक अभी जब हम ये मुश्किल से गुजरे हैं और अभी एक बाहर आ रहे हैं, एक नए न्यू नॉर्मल को बाहर आ रहे हैं, नो बेटर वे टू सेलिब्रेट देन विद न्यू सॉन्ग्स. और वो जो रीमिक्सेस जो फिल्मों में, वो जो सेफ प्ले करना, प्लेइंग इट सेफ कि कुछ नया गाना को बना ही नहीं रहे. एक दो फिल्ममेकर्स को छोड़ के, संजय लीला भंसालिया, वो एक दो ही फिल्ममेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस रह गए हैं जो नए सिंगर्स को ट्राई करते हैं, फीमेल सिंगर्स को यूज़ भी करते हैं उतनी बैलेंस में जितने मेल सिंगर्स को. वो एक संजय लीला भंसाली हैं. और हर जगह डरे हुए हैं सब लोग, चलो रीमिक्स चला दो, चल जाएगा हमको, वी डोंट हैव टू टेक अ रिस्क. और जब आदमी रिस्क लेना बंद करता है तो क्रिएटिविटी बंद ही हो जाता है. तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली ये बॉलीवुड का सीन रहा है कुछ पिछले सालों में. एंड बट थैंक्स टू दैट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अगर म्यूजिशंस रिलीज़ कर रहे हैं, और एक नया रिकॉर्ड लेबल अभी जन्म ले रहा है, जैसे कॉइनेज रिकॉर्ड्स इज़ द लेबल ऑफ दिस. और ये पहला गाना नहीं, मैं उनके साथ तीन गाना कर रही हूँ. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टाइलिंग माई सेल्फ ऑल्सो डिफरेंटली. और अगर आपने गाना सुना हो, सोलो फिल्म फीमेल सॉन्ग है जो, वो भी आपको रेडियो में बहुत कम मिलेगा. तो इन ऑल बहुत सेलिब्रेशन है. बट या गन्स एंड रोजेज राइट नाउ. मैं 4 बजे से यहाँ पे आई हुई हूँ, तो मैं बात, हाँ तो मेरा दिमाग भी शायद नहीं चल रहा है अभी मैं क्या बोल रही हूँ. हाँ, एंड इसी के साथ जिस तरीके से इस म्यूजिक की तो अगर बात हो गई है, एंड और क्या आपकी तरफ से आने वाला है, एंड मेरे के बड़ा भी आपकी आने वाली है. मेरे फिल्म को अभी नेशनल अवार्ड मिला है, मैंने खुद प्रोड्यूस किया है शट अप सोना, और बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में शट अप सोना हैज़ वन बिग अवार्ड्स. तो मैंने डिसाइड किया कि एज एन आर्टिस्ट मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है कंटेंट क्रिएट करने में. उसका सीक्वल भी बन रहा है, और वो शट अप सोना नहीं है, वो प्लीज़ सिंग सोना है. उसमें ज़्यादा देयर बी मोर फन, लाइटर टाइम्स. और जैसे मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी जर्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, ना कि बैठ के कंप्लेन करें कि अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रहे हैं, औरतों को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं. मुझे लगा कि मुझे अगर कम गाने मिल रहे हैं, और अंबर सरिया के बाद मुझे 100 गाने मिलने चाहिए थे, लेकिन मैंने देखा कि फीमेल गाने इतने बन नहीं रहे. बैठ के कंप्लेन करो, क्या चेंज करो, अपना फिल्म बनाया और मैं अपने फिल्म में इतना गा रही हूँ, कोई रोक भी नहीं सकता है मुझे. सो आई हैव टू मेक माई ओन अपॉर्चुनिटीज़. मोर देन दैट, मैं सोच रही हूँ कि अभी एक दुनिया बदल रही है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट. डॉक्यूमेंट्री कोई समझता नहीं था इंडिया में, लेकिन अभी टाइगर किंग से लेके वो ओशो रजनीश का एक वेब सीरीज़ बहुत बड़ा हिट हुआ. तो कॉन्टेंट, किस टाइप का कॉन्टेंट अभी चल रहा है, वो पुराने फार्मूला पे नहीं चल रहा है. तो मुझे लगता है इट इज़ टाइम फॉर इनोवेशन, टाइम फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक. तो मैं तो चाहती हूँ कि कमिंग ईयर्स में मैं म्यूज़िक, तो मेरे हार्ट में म्यूज़िक ही रहेगा, म्यूज़िक बनाना चाहती हूँ, और बहुत बन भी रहा है, पाइपलाइन में भी है. लेकिन आई विल ऑल्सो बी क्रिएटिंग, टेलिंग स्टोरीज़ अलग अलग तरीके से. लेकिन सबसे बड़ी बात है, स्टेज खुल गया है हमारे लिए. 1.5 साल हम घर पे रहे, और बहुत म्यूजिशियंस को बहुत दिक्कत हुई. मैं लकी हूँ, मेन स्ट्रीम में हूँ, आई कुड अफोर्ड इट, लेकिन बहुत म्यूजिशियंस को बॉम्बे में अपना
फ्लैट छोड़ना पड़ा, दे कुड नॉट, इट वॉज वेरी वेरी टफ. और अभी लगता है अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग स्टेज पे वापस जा रहे हैं क्योंकि शोज बुक हो रहे हैं, तो उस बात की बहुत खुशी हो रही है. क्योंकि मुझे ये लगा कि इतने इतने बड़े इलेक्शन रैली हो रहे हैं, लोग भर भर के इलेक्शन रैलीज ला रहे हैं, लेकिन छोटे से शोज बंद कर दिए. मास्क पहन के म्यूजिक सुनेंगे तो थोड़ी हीलिंग होगी. मुंबई में मैं एक बताऊँ, आई एम, मेरे घर के बगल में एक पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है, 5 से 9 बजे खुला रखते हैं. उसके बाद जो वॉचमैन है ना, वो अंदर एक छोटा से कुटिया में वहाँ पे बिल्कुल गोवा लाइफ लीड कर रहा है, लेकिन हमको 9 बजे निकाल देता है. और मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि हम लोग टैक्सेस देते हैं, हमारा हक है कि हम एक अपना मेंटल हेल्थ को संभालें, और वो नेचर के पास और या बाहर बैठने में होता है. घर पे बैठे रहो, लॉक रहो, मुंबई में आदमी जाए कहाँ, बाहर नहीं जा सकता, पार्क भी बंद रखते हैं. तो ये लॉजिक क्या है कि पार्क को बंद कर देते हैं 9 बजे, सारा दिन क्यों नहीं खोल रख सकते? अगर मैं 3 बजे चाहूँ जाके किताब पढ़ूँ, या काम से पक गई हूँ, एक वॉक लेके आऊँ कुत्ते को लेके, या एक किताब को लेके, पार्क तो खुला होना चाहिए. सो बातें तो हम बहुत कर सकते हैं. मुझे लगता है कि ऐसे मौका कम मिलता है कि वी एक्सप्रेस कि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा पता चला है कि घर पे बैठ बैठ के डिप्रेशन हो जाता है. ह्यूमन बींग सोशल बींग्स हैं. तो मैं तो एक, अगर बॉम्बे की बात आपने कहा, थिएटर हाँ, लेकिन प्लीज़ पार्क तो खोलो पहले, पार्क्स तो खोलो पूरे दिन के लिए. अगर जाते रहे, दो लाइन अगर आप सुना दें, अगर आप इस गाने, ढोलना कोई भी, अभी ये तो भी रिलीज, ये तो भी रिलीज, ये वाला ढोलना ढोलना जा मेरे ढोलना. थैंक यू. इसके ऊपर गाना मुश्किल है. ढोलना कि तेरे नाल बोलना, तुझे मुझे फिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं, मेरा हाल भी पूछे ना. ढोलना ढोलना जा मेरे ढोलना, तेरी आस लगाए मेरी और कमोल न तोलना. ढोलना ढोलना जा मेरे कोलना. थैंक यू. आई विल टेक द विजुअल्स. ठीक है, चलो शिफ्ट करते हैं. थोड़ा मुस्कुराओ. हाँ, रेडी एंड सब. मतलब वेडिंग सॉन्ग्स आर ऑलवेज फन. इनफैक्ट मेरे बेस्ट फ्रेंड्स और मेरे में एक जोक चलता था कि कोई तो जल्दी शादी करो सो आई कैन डांस एट देयर संगीत. आई थिंक इट्स लाइक फॉर मी दैट इज़ रियली अ लॉट ऑफ फन. और वैसे भी कोविड की वजह से बहुत टाइम से शादियां बहुत धमाल से सेलिब्रेट नहीं हुई हैं, बट आई थिंक दिस सॉन्ग वाज मच नीडेड. और इस वेडिंग सीजन में काफ़ी आग लगानी चाहिए. और मुझे बहुत मज़ा आया डांस करके. हाँ, हैपनिंग भी और हैप्पी भी. जैसा आपने कहा, यू लाइक, इवन इफ आपका नहीं मूड कर रहा डांस करने का, वो बीट्स उसकी ऐसे कि विल गेट अप एंड वॉन्ट टू डांस. एंड मुझे प्लस लड़की की वॉइस है, सो मुझे गाने में और लिपसिंग करने में बहुत मज़ा आया. एंड ऑल्सो बहुत ही डेलिकेट सॉन्ग है, सो डांसिंग भी है बट उसमें बहुत नज़ाकत भी है और बहुत स्वीट सॉन्ग है.
ओके तो क्या किस तरीके का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट करें, जिस तरीके से आप जय मम्मी दी का गाना भी काफ़ी मतलब हिट हुआ एंड आपके और भी काफ़ी गाने जो हैं मतलब सारे के सारे सब पार्टी एंथम बन जाते हैं, इस गाने से क्या क्या उम्मीद है? इनफैक्ट मेरे सारे के सारे गाने बहुत वेस्टर्न रहे हैं, सो मेरे लिए पहला इंडियन सॉन्ग है, मतलब इंडियन इन द सेंस एक इंडियननेस है इसमें और एक स्वीटनेस है, अदरवाइज इट्स ऑलवेज वेरी लाइक डांसिंग नंबर्स और लाइक वेदर इट्स लैम्बोर्गिनी और मम्मी ने पसंद में थोड़ा था इंडियन बट इट्स स्टिल लाइक कॉलेज सॉन्ग, सो आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक बहुत स्वीट वाइब्स है और इंडियननेस है और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे जिस काम में करने में मज़ा आता है आई थिंक उसका एंड रिजल्ट अच्छा ही होता है। क्या नरेशन दिया था आपको ये बताया कि इस तरीके का एक वेडिंग सॉन्ग है एंड काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड से जो उसके जो स्टेप्स भी काफ़ी डिफिकल्ट है तो कितना चैलेंजिंग? थैंक यू, स्टेप्स डिफिकल्ट है। हाँ मेरा पहला स्टेप था कि मुझे गाना भेजा ढोलना जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और तब मुझे नहीं पता था कि इतनी डांसिंग होने वाली है, मुझे लगा कि ये स्टोरी है और यू नो ब्राइड की फ्रेंड हो एंड ऑल ऑफ दैट एंड स्टोरी भी बहुत स्वीट है, इफ यू वैन यू सी द होल सॉन्ग उसके एक स्टोरी लाइन चल रही है, प्लस सोना महापात्रा आई थिंक शी संग इट ब्यूटिफुली। उसके बाद शूट के पहले मुझे पता चला ओह इसमें बहुत सारी डांसिंग भी है, आई वाज लाइक ओके चैलेंज एक्सेप्टेड, तो मज़ा आया एज आई सेड इंडियन डांस करते हुए एंड चैलेंजेस यही है कि यस थोड़े बहुत स्टेप्स हैं बट द कोरियोग्राफर्स हैव बीन सो नाइस कि ईजिली उन्होंने ब्रेक डाउन किया एंड एज आई सेड जिस काम को करने में मज़ा आया तो वो थोड़े बहुत फ्लॉज भी समझ में आएंगे। प्रैक्टिस करने में यस थोड़ी मेहनत लगी बट मैं रोज़ शूट कर रही हूँ तो आई विश मुझे और एक दिन अगर मिल जाता प्रैक्टिस का, बिकॉज मुझे 3 घंटे ही मिले हैं तो उसमें जितना हो सका बट एक दिन और मिलता तो शायद और भी मेरे दिमाग में परफॉर्मेंस बेटर होती, मज़ा तो तब भी उतना ही आता। अगर इस गाने के अलग अलग हटके अगर बात की जाए तो और क्या आने वाला है आपकी तरफ से जो फैंस आर वेटिंग? सो आई एम मेकिंग माय OTT डेब्यू फाइनली, सो आई एम डूइंग अ शो विद विक्रम भट्ट अनामिका और एक शो कर रही हूँ मैं इलीगल, उसका season 2 कर रही हूँ जी, सो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इनफैक्ट उसी के लिए मैं शूट कर रही थी, मैं एक और पंजाबी म्यूज़िक वीडियो भी कर रही हूँ, नेक्स्ट वीक उसकी शूट है और एक फिल्म कर रही हूँ जिसकी अक्टूबर में हम शूट शुरू करेंगे। सॉरी हाँ बेसिकली मैं सच बताऊँ तो ये जो गाने की वाइब है वो टोटली वेडिंग वाइब है, जैसे कि वेडिंग सीजन इज कमिंग अप सो वी हैव टू स्टॉप। हाँ यार गाना बहुत सुपर वेडिंग वाइब वाला है, सो एज वी हैव वेडिंग सीजन कमिंग अप ऑलरेडी सो दिस इज सॉन्ग फॉर ब्राइड सिस्टर फॉर ब्राइड फ्रेंड्स, so depending how a choreographer chooses a song for a wedding, so yeah that's the agenda to quickly shoot for the song and edit and put it on screens for you. Okay, kis tarike se gana aaya and what was your reaction jab aapne gana suna? Yaar mera reaction bahut different tha, matlab maine gana sunne se pehle jab suna ki pata chala ki kisne gaya hai to wo ek already wow moment aa jata hai in your eyes, meri aankhon mein aaya tha to और जैसे मैंने नाम सुना कि ये सोना महापात्रा ने गाया है उसके पहले मैं ये गाना सुन पाया, उनके ही 5-6-7 गाने मेरे दिमाग में आना चालू हो गए और हमिंग होना चालू हो गई थी, सो आई हैड टू वेट फॉर फ्यू सेकंड्स टू हियर दिस सॉन्ग टू गेट इनटू द जोन, सो या मतलब फील ऑल टुगेदर इसका, आई वॉज ड्राइविंग तो पैर ऐसे ऐसे होने लगे, तो जब आप किसी गाने को सुन के पैर ऐसे ऐसे होने लगते हैं फिर पता चलता है कि आपको गाने में डांस भी करना है, so that's a process, that's something which I'll be doing it for the first time. यार मैं सच बताऊँ तो यार भाई मैं प्रेशर बिल्कुल नहीं समझता इसमें, इसमें बहुत सारे आज हमारी ऑडियंस बहुत अलग अलग कैटेगरी की है, किसको क्या पसंद है किसको क्या पसंद है, किसी को पसंद आ गया तो वो हमारा टारगेट होता है, अब आई मीन टू यू नो मेक थिंग्स हिट, एवरीबडी हैज़ दैट एजेंडा, बट मेरा तो है कि यार डिलीवर करना है प्रोडक्ट, आप लोगों को पसंद आया दैट्स योर ब्लेसिंग दैट्स माई लक एंड दैट्स माई डेस्टिनी, बट येस आई नो दिस इज गोनो बी लव बाई यू ऑल, ये कमाल की चीज़ है।
यार अभी तो मतलब मैंने जो रिहर्सल्स में जितना काम किया है उसमें बहुत, हाँ अब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्विकली। ओके ओके, तो किस तरीके से नजर आने वाले हैं आप इस बार इसमें, इस गाने में? एक दो फोटोज ले ले। ऑलराइट, वन मोर। ओके, किस तरीके से नजर आने वाले हैं? मेरे लुक की बात करें तो आई हैव टू लुक्स इन इट, सो those two looks are again, since it's a wedding setup, so I have a wedding attire, I mean a sherwani, and second I have a good I don't want to reveal it, but ha, dusra look bhi ek bahut acha look hai, which is a surprise and a suspense over it, that that song has matlab wo uska ek genre hai, ek acha look hai. थैंक यू वेरी मच फॉर एवरी थिंग एंड जस्ट कीप लविंग एंड कीप ब्लेसिंग मी फॉर ऑल दोज वर्क आई डू फॉर यू, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, फॉर एवरी वन, टू एंटरटेन यू ऑल। बस आप सब लोगों की ब्लेसिंग हमेशा साथ में रहे, तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहे और मनपसंद प्रोजेक्ट आते रहे, दैट मैटर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो गाने के बारे में बताइए, क्या शूट कर रहे हैं आज आप लोग? यहाँ पे मेरी शादी की मतलब मेरा हल्दी सेरेमनी है और उसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसका मतलब उसको उसका बॉयफ्रेंड प्रपोज करने वाला है, सो वो सीन है कि उसके लिए हम उसको मैं बोल रही हूँ कि यार तू भी शादी कर ले, अब मेरी भी शादी हो रही है, अब तो तुझे भी शादी करनी चाहिए, या सो वो सीन है। हाँ, तो अभी अभी जस्ट मैंने हल्दी का सीन शूट किया है, देखो हल्दी लगी है। गाना बहुत अच्छा है, आप सुनेंगे ना ऐसा लगेगा कि जब भी नेक्स्ट वेडिंग होगी ये सॉन्ग तो जरूर चलने वाला है, इतना पेपे सॉन्ग है ये। और सिंस द सिंगर इज सोना महापात्रा जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस है। मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था बिकॉज शी इज ऑल्सो फ्रॉम ओडिशा एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम ओडिशा, सो एंड उनका भी जो होम टाउन है दैट इज कटक एंड मेरा भी होम टाउन कटक है, सो मेरा वो पहला रिएक्शन था कि वाओ आई वुड लव टू वर्क विद हर। गाने में मतलब किस तरीके से इसके अलावा और मतलब ये वेडिंग का तो है ही, एंड और क्या लुक होने वाले हैं आपके? और अभी तो मैंने जस्ट हल्दी का सीन शूट किया है और अभी नेक्स्ट सीन जो होगा शाम को वो मेरा संगीत का शूट होगा। Okay, तो उसमें मेरा लुक चेंज होगा। हाँ जी, दो लुक है मेरा। एंड सोनाली के साथ में गौरव के साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका काम करने का? अभी तक मैंने गौरव के साथ तो अभी तक मैंने शूट किया नहीं है, इसके बाद वाला सीन होगा, तो सोनल के साथ अमेजिंग था मेरा एक्सपीरियंस। लास्ट कब आने वाला है आपका गाना ये? I have no idea. Maybe शायद next month या इस month के end तक आ जाए। वैसे ये month तो खत्म होने वाला है, so next month के mid तक शायद आ जाएगा। Okay, क्या कहना चाहेंगे यार ज़्यादा-ज़्यादा अपने fans से? वेट एंड वॉच, ये म्यूजिक वीडियो आप सबके घर में चलने वाला है, हर किसी के वेडिंग में चलने वाला है। थैंक यू।